अकाउंटिंग नो प्रॉब्लम में आपका स्वागत है। मैं हूँ आरती। टेलीप्राइम के इस वीडियो सीरीज के आज के अध्याय में हम आपको बताएंगे टेलीप्राइम में स्टॉक आइटम्स को अल्टर कैसे करते हैं, साथ ही बताएंगे कि किसी स्टॉक आइटम को डिलीट कैसे करते हैं। इसके पहले वाली वीडियो में हमने आपको सिंगल स्टॉक आइटम तथा मल्टीपल स्टॉक आइटम्स बनाना सिखाया था। इस वीडियो को प्रारंभ करने से पहले एक महत्वपूर्ण बात बता दें कि जिस तरह हमने आपको लेजर्स को अल्टर और डिलीट करना बताया था, बिल्कुल वही प्रोसेस स्टॉक आइटम्स के लिए भी है। फिर भी हम आपको शॉर्ट में इसे समझा देते हैं। अभी हम गेटवे ऑफ टैली पर हैं। मास्टर्स हेडिंग के अंतर्गत दिखाई दे रहे अल्टर के लिए ए प्रेस करें, यहाँ से स्टॉक आइटम सिलेक्ट करें। देखिए लिस्ट ऑफ स्टॉक आइटम्स आ रही है। जिस स्टॉक आइटम में कुछ चेंजेस करना है उसे सिलेक्ट करें। ये देखिए स्टॉक आइटम अल्टरेशन स्क्रीन आ गई है। आप जो भी चेंजेस करना चाहें, जैसे नाम, ग्रुप, यूनिट, ओपनिंग बैलेंस, तो यहाँ से कर सकते हैं। बस एक बात का ध्यान रखें, जिन स्टॉक आइटम्स में आपने ट्रांजेक्शन्स कर लिए होंगे उनके यूनिट्स चेंज नहीं कर सकते हैं। यदि आप किसी स्टॉक आइटम को डिलीट करना चाहते हैं, यानी स्थायी रूप से हटाना चाहते हैं, तो इसी स्टॉक आइटम ऑल्टरेशन स्क्रीन पर ऑल्टर और डी एक साथ प्रेस करें। ऐसा करते ही डिलीट की छोटी विंडो आएगी। यहाँ पर एक बात ध्यान रखें, जिस स्टॉक आइटम्स को लेकर आप कोई ट्रांजेक्शन्स कर चुके होंगे वो डिलीट नहीं होगा, यानी ऑल्टर और डी प्रेस करने पर भी डिलीट की छोटी विंडो नहीं आएगी। यदि आप इस स्टॉक आइटम को डिलीट करना चाहते हैं तो एंटर प्रेस करके उसे डिलीट कर सकते हैं। हम ऐसा नहीं चाहते, इसलिए एन प्रेस कर रहे हैं। अब देखते हैं कि चार्ट ऑफ अकाउंट्स की सहायता से आप एक साथ कई स्टॉक आइटम्स में कैसे ऑल्टरेशन कर सकते हैं। उसके लिए आपको चार्ट ऑफ अकाउंट्स में जाना होगा। यहाँ स्टॉक आइटम्स सिलेक्ट करें। अब ऑल्टर और एच प्रेस करें। लिस्ट ऑफ मल्टी मास्टर्स में मल्टी ऑल्टर सिलेक्ट करें। ये देखिए लिस्ट ऑफ स्टॉक ग्रुप्स आ रही है। यहाँ पर आप दो तरह से ऑल्टरेशन कर सकते हैं। पहला, यदि आप किसी एक स्टॉक ग्रुप में बने स्टॉक आइटम्स में ऑल्टरेशन करना चाहते हैं तो उस स्टॉक ग्रुप को सिलेक्ट करें। देखिए हमने जो स्टॉक ग्रुप सिलेक्ट किया था उसमें जितने भी स्टॉक आइटम्स बने हैं वो और उनकी डिटेल्स दिखाई पड़ रही है। यहाँ से आप जिस भी स्टॉक आइटम में जो भी चेंजेस करना चाहें कर सकते हैं। स्केप की से हम वापस लिस्ट ऑफ स्टॉक ग्रुप्स पर आ गए हैं। आइए अब देखते हैं दूसरा तरीका। इससे आप किसी भी स्टॉक ग्रुप में बने स्टॉक आइटम्स में ऑल्टरेशन कर सकते हैं। उसके लिए आपको ऑल आइटम्स सिलेक्ट करना होगा। देखिए ऐसा करते ही हमारी कंपनी में बने सभी स्टॉक आइटम्स, वो जिस ग्रुप में बने हैं उनके नाम और हमने स्टॉक आइटम्स बनाते समय जो भी डिटेल्स दी थी वो दिखाई पड़ रही है। यदि आप इनमें कुछ भी चेंजेस करना चाहें तो कर सकते हैं। एक बार आपको फिर याद दिला दें, यदि आप टैली में कहीं भी कुछ भी काम कर रहे हैं और उस दौरान आप मास्टर में कुछ भी ऑल्टरेशन करना चाहते हैं तो आप अपने काम को बंद किए बिना ही गो टू पर जाएं। ये ऑप्शंस आपको यहाँ भी मिलेंगे और आप इनकी सहायता से ऑल्टरेशन कर सकते हैं। अभी हमने कुछ वीडियोस में क्रमशः स्टॉक ग्रुप्स, यूनिट्स और स्टॉक आइटम्स को क्रिएट करना, उनमें ऑल्टरेशन करना और उन्हें डिलीट कैसे करते हैं ये बताया। इसके बाद वाली वीडियोस में हम आपको बताएंगे कि परचेज वाउचर और सेल्स वाउचर्स क्या हैं और उनमें ट्रांजेक्शन कैसे रिकॉर्ड किए जाते हैं। दोस्तों हम हर वीडियो में कुछ नई बातें डिटेल में समझाते हैं और बाद में उनका शॉर्ट में यूज करते हैं। अगर आप चाहते हैं कि कोई भी उपयोगी बात सीखने से छूट न जाए तो प्लीज सभी वीडियोस को ऑर्डर में ही देखें।